हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकरी किचन। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम गर्मा गर्म क्रंची, बिल्कुल मार्केट जैसे पॉपकॉर्न। बहुत टेस्टी, बहुत ही क्रंची, और इस लोहड़ी पे तो आप इन्हें ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी है। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कटोरी मक्के के दाने लिए हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अब इसे मैं एक कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और मैंने इसमें डाला है 2 कटोरी नमक। नमक का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है क्योंकि मैं इसे पहले 2 से 3 बार यूज़ भी कर चुकी हूँ, बेकिंग में भी यूज़ कर चुकी हूँ, और मैंने लास्ट वीडियो मूँगफली की बनाई थी उसमें भी मैंने इसे यूज़ किया था। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लिया था और अब मैंने डाल दिए हैं आधे मक्के के दाने। आधे हम साइड में रख देंगे, हम इन्हें बाद में बनाएंगे। अब एक फॉक से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। नमक के अंदर मिक्स करने से ये जल्दी से पॉपअप हो जाते हैं। अब हम कवर लगा देंगे और हमने गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। बहुत तेज़ आप रखेंगे तो मक्के के दाने जल जाएंगे, तो हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसे बनाना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दाने हैं वो कैसे फूट रहे हैं। एक एक करके ये सारे जो दाने हैं फूट जाएंगे और एकदम गर्मा गर्म हमारे पॉपकॉर्न बन जाएंगे। बस आप ध्यान रखिए बार बार ढक्कन ना हटाएं। बीच बीच में आप इसे कढ़ाई को या कोई भी बर्तन आप जो यूज़ कर रहे हैं उसे आप हिलाते रहिए। और जो भी आप बर्तन लेते हैं उसका वो थोड़ा हैवी होना चाहिए। पतले बर्तन में लेंगे तो हमारे जो मक्के के दाने हैं वो जल जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट में ही सारे दाने फूट जाते हैं, हमारे जो पॉपकॉर्न है वो तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, एक बार मैं फिर से इसे मिक्स कर लूँगी, जो एक आध जो दाना रह गया है वो भी अच्छे से फूट जाए। तो हमारे पॉपकॉर्न तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा मैंने ढक्कन को ऊपर की तरफ रखा है, अगर कोई भी रह गया होगा दाना वो उछल के आपके मुंह पर गिर सकता है, तो मैंने इसे साइड में रख दिया है। गैस का फ्लेम मैंने अब बंद कर दिया है और ये हम निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया पॉपकॉर्न बने हैं, एकदम वाइट वाइट, जले नहीं हैं। सभी पॉपकॉर्न को मैंने निकाल लिया है। अब बाकी जो हमारे मक्के के दाने रह गए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। अब गैस को हम ऑन कर देते हैं और इसे ढक्कन लगा के फिर से हम पॉपकॉर्न बना लेंगे। ये भी पॉपकॉर्न ऑलमोस्ट बन चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, ढक्कन को थोड़ा सा मैंने ऐसे इस तरीके से रखा ताकि पॉपकॉर्न उछल के मुंह पे ना आ जाए। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो हमारे क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही टेस्टी पॉपकॉर्न बनके तैयार हो गए हैं। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और इस लोहड़ी के त्यौहार पे आप इसे ज़रूर बनाएं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।